गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एमपीएस मोटिवेटर्स में आपका स्वागत है। मैं प्रीति कुमारी आज आपके समक्ष लेकर आई हूँ सीडीपी। देखिए ये सीडीपी, सीडीपी का फुल फॉर्म होता है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, जिसको हिंदी में बाल विकास व शिक्षण शास्त्र कहते हैं। बाल विकास शिक्षण शास्त्र जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, यानी कि दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला आपका हुआ बाल विकास और दूसरा होता है शिक्षण शास्त्र। तो बाल विकास जो होता है वो हम कहते किसको है, तो बाल विकास को हम लोग मनोविज्ञान कहते हैं, यानी कि मनोविज्ञान जो है वो ग्रीक भाषा की साइकी तथा लॉगिस से मिलकर बना है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा, लॉगिस का अर्थ होता है अध्ययन, यानी कि आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय बताया गया है मनोविज्ञान को। यह मनोविज्ञान को आत्मा का विषय बताने वाला प्लूटो और अरस्तु थे। उसके बाद जो होता है बुधवर के द्वारा आपका बताया गया मनोविज्ञान जो होता है वो चेतना का अध्ययन करने वाला विषय है। 17वीं-18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का मन का अध्ययन करने वाला विषय बताया गया था। मनोविज्ञान की सबसे पहली प्रयोगशाला जो है 1879 ईस्वी में लिप्जी जर्मनी में स्थापित की थी गई थी। लेकिन आज वर्तमान में क्या है, मनोविज्ञान को क्या कहते हैं, मानसिक क्रिया एवं व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय बताया गया है। आज का टॉपिक है सीडीपी में हम लोग जो आज का टॉपिक पढ़ेंगे वो विकास की अवस्था। विकास की अवस्था पांच होती है, वो होती है। पहला आपका हुआ शैशवावस्था। शैशवावस्था के जो क्या है 0 से 2 साल तक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शैशवावस्था को हम लोग समायोजन की अवस्था या निर्माण काल की अवस्था या अपरिपक्व अवस्था के नाम से जानते हैं। निर्माण काल की अवस्था शैशवावस्था को क्यों कहा जाता है, तो निर्माण की माता जो बच्चे जो होते हैं गर्भाशय से आंतरिक वातावरण से लेकर बाहरी दुनिया में यानी कि बाहरी वातावरण में प्रवेश करते हैं, इसलिए हम लोग शैशवावस्था को निर्माण काल की अवस्था के नाम से भी जानते हैं। दूसरा आपका हो गया कि अपरिपक्व अवस्था, जब एक बच्चे शैशवावस्था में होते हैं जब जन्म लेते हैं 2 साल तक बच्चे रहते हैं, तो बच्चे जो होते हैं पूरी तरह से क्या कहते हैं कि माता पिता पे या अन्य पर आश्रित होते हैं, जिसको हम लोग अपरिपक्व अवस्था कहते हैं। तो शैशवावस्था में जो हो गया वो शैशवावस्था की विशेषताएं क्या हो, क्या हो गया, तो शैशवावस्था का विशेषता होता है कि शैशवावस्था में बच्चे जो होते हैं बच्चे में क्या होता है कि शारीरिक विकास की तीव्रता। दूसरा आपका हो गया मानसिक विकास की तीव्रता। तीसरा आपका हो गया अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। चौथा हो गया संवेगों का प्रदर्शन। पांचवा हो गया आत्म प्रेम की भावना। ये सब आपकी शैशवावस्था की विशेषताएं। जैसे ही 2 साल कंप्लीट होता है कि बच्चा उसके बाद प्रवेश करता है आपका बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में प्रवेश करता है, बाल्यावस्था का एज होता है 2 से 12 वर्ष तक। तो बाल्यावस्था को ना 2 भागों में बांटा गया, पहला पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा आपका हो गया उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था को हम लोग प्रारंभिक बाल्यावस्था भी कहते हैं या खिलौने की आयु भी कहा जाता है। पूर्व बाल्यावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में माता पिता और सिर्फ भाई बहन आते हैं, जो आपका 2 से 6 वर्ष तक हो गया। उसके बाद आपका होता है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था को हम लोग मध्य बचपन के नाम से भी जानते हैं या परवर्ती बाल्यावस्था भी कहते हैं, जिसका एज होता है 6 से 12 वर्ष तक। तो उत्तर बाल्यावस्था में जो होते हैं ना गैंग, एज, टोली, समूह, बच्चे बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं आपका, फ्रेंडशिप करते हैं, तो ये सब आपका किसको आ जाता है, तो आपका 6 से 12 वर्ष में आ गया आपका उत्तर बाल्यावस्था में। उत्तर बाल्यावस्था के बाद जो उत्तर बाल्यावस्था में जो हो गया उत्तर बाल्यावस्था का आपका विशेषता है, तो उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे जो होते हैं ना सामूहिक खेलों में रुचि रखते हैं। दूसरा आपका हो गया सामाजिक गुणों का विकास। तीसरा हो गया नैतिक गुणों का विकास। ये आपका क्या हो गया, ये बाल्यावस्था का विशेषता हो गया। उसके बाद आपका होता है किशोरावस्था। किशोरावस्था का एज होता है 11 से 19 साल तक। बच्चे जब किशोरावस्था में पहुंचते 11 से 19 साल तक रहते हैं, तो उसको हम लोग आंधी तूफान की अवस्था के नाम से जानते हैं या तनाव एवं दबाव की काल के नाम से भी जानते हैं या बीट पूजा की अवस्था के नाम से भी जानते हैं या संधि काल के नाम से भी किशोरावस्था को जाना जाता है। किशोरावस्था की विशेषताएं, तो किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं ना वो शारीरिक परिवर्तन होता है उसमें, मानसिक परिवर्तन होता है बच्चे में, बच्चे जो होते हैं ना घनिष्ठ मित्रता का संबंध बनाते हैं, ईश्वर एवं धर्म में विश्वास करते हैं। किशोरावस्था के बाद आपका हो गया प्रौढ़ावस्था।
प्रौढ़ावस्था के एज हो गया था 18 से 60 वर्ष तक। जब बच्चे 18 से 60 वर्ष तक रहते हैं तो वो किशोर प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत आते हैं। तो प्रौढ़ावस्था में बच्चे जो होते हैं सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि आत्मनिर्भरता होता है बच्चे के होता है, जो घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे के ऊपर आ जाते हैं, बच्चे जवाबदारी हो जाते हैं, जॉब करने लगते हैं, ये सब के प्रति बच्चे का आ जाता है प्रौढ़ावस्था में। प्रौढ़ावस्था के बाद आपका होता है लास्ट आता है सबसे अंत में वृद्धावस्था। वृद्धावस्था के ये जो क्या 60 से ऊपर, यानी कि 60 से जितना साल तक मनुष्य जब जीवित रहे उसको हम लोग वृद्धावस्था के नाम से जाते हैं। वृद्धावस्था में मनुष्य का क्या होता है, कामेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया में क्या होता है, कमी आ जाती है, कोमलता आ जाती है, वो नाजुक हो जाता है। बच्चे रिक्शे के साथ क्या समायोजन का अभाव होता है। वृद्ध लोग क्या करते हैं, जल्दी से नए पीढ़ी के लोगों के साथ, नए बच्चे के साथ उनका जल्दी नहीं बनता है, समायोजन का अभाव पाया जाता है, वो टकराव होते रहता है, क्योंकि नए पीढ़ी के लोग जो होते हैं वो नए तरीका से जीना चाहते हैं, पुरानी पीढ़ी का जो लोग है वृद्ध लोग वो अपने पुराने तरीका से जीने चाहते हैं, जिस कारण इसका क्या होता है नए पीढ़ी के साथ उनका टकराव होते रहता है, नहीं बनते रहता है। वृद्धावस्था में व्यक्ति जो होते हैं अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों से क्या होती है मुक्त हो जाते हैं। आपका यही 5 टॉपिक आज हो गया विकास की अवस्था। विकास की अवस्था के अंतर्गत यही 5 अवस्था आप लोगों को पढ़ना है। धन्यवाद।